गैंगस्टर की मोहब्बत कभी खूबसूरत मोड़ लेती है तो कभी मौत के दरवाजे भी खोल देती है। 12 मार्च को गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसकी लेडी डॉन गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी साथ फेरे लेने वाले हैं। गैंगस्टर और लेडी डॉन की ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। आज क्राइम तक के जरिए हम आपको ऐसे ही गैंगस्टर और उनकी लेडी लव के बारे में बताने वाले हैं, जो अपने ही गैंगस्टर प्रेमी की मौत की वजह भी बनी। पहला नाम है दिव्या पाहूजा। साल की शुरुआत हो ही रही थी तभी 2 जनवरी 2024 की रात गुरुग्राम के एक होटल में दिव्या पाहूजा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग दिव्या पाहूजा को होटल लेकर गए और सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को हरियाणा के नहर में फेंक दिया। दिव्या की लाश की बरामदगी हुई 10 से 12 दिनों के बाद। अब चलते हैं इसकी बैक स्टोरी में, जब दिव्या पाहूजा पर अपने ही गैंगस्टर प्रेमी संदीप बड़ोली की हत्या करवाने का आरोप लगा। संदीप हरियाणा का नामी गैंगस्टर था। साल 2016 के फरवरी महीने में इसका एनकाउंटर हुआ था। दरअसल गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर का पीछा करते हुए मुंबई के अंधेरी स्थित होटल पहुंची। वहां संदीप होटल के कमरे में अपनी प्रेमिका दिव्या के साथ मौजूद था। इस दौरान पुलिस ने संदीप से सरेंडर करने की अपील की, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने गोली चला दी। बाद में खुलासा हुआ कि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड ही पुलिस के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रही। इस एनकाउंटर के बाद गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा, उसकी मां और 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पेशे से मॉडल और 20 साल की दिव्या पाहूजा 7 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रही और साल 2023 में जब जेल से बाहर आई तो 6 महीने बाद ही उसकी हत्या हो गई। दूसरे नंबर पर है अपराध की दुनिया का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई। क्या आपको पता है कि कॉलेज के दिनों में अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद ही लॉरेंस एक साधारण लड़के से गैंगस्टर बना। उस दौरान कई हत्याओं को अंजाम देने का आरोपी लॉरेंस पंजाब के फजिलका के एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने एक साथ चंडीगढ़ में 12वीं क्लास तक पढ़ाई भी की। इसके बाद साल 2008 में लॉरेंस ने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां उसने स्टूडेंट अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। लॉरेंस चुनाव में हार गया। रिपोर्ट्स की माने तो विरोधी पक्ष ने बदला लेने के लिए लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया और साजिश के तहत हत्या कर दी। लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा आग के हवाले कर दिया और बचने के लिए हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की। लॉरेंस को जब अपनी गर्लफ्रेंड के कातिलों का पता चला, वहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। सबसे पहले प्रेमिका को दर्दनाक मौत देने वाले विरोधियों से बदला लेने की ठान ली। इसके बाद देखते ही देखते लॉरेंस नामी गैंगस्टर बन गया। रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्या कराना लॉरेंस के लिए आम बात हो गया। लॉरेंस की लव स्टोरी का वहीं दी एंड हो गया, लेकिन इस वारदात ने उसे अपराधी बना दिया। लॉरेंस इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन जेल से ही उसने देश में भौकाल मचाया है और अपने गुर्गों से हत्या करवाता रहता है। अब ये तस्वीर देखिए, कभी इनका पूरे उत्तर प्रदेश में सिक्का चलता था। नाम है अतीक अहमद। वैसे तो माफिया और नेता रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल की रात को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन जिंदा रहते हुए भी अतीक की जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में थी। रुक जाइए, वो इनकी बीवी शाइस्ता नहीं बल्कि शबनम है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अतीक और शबनम बचपन के दोस्त थे। दोनों निकाह भी करना चाहते थे, लेकिन शबनम पढ़ी लिखी नहीं थी, लिहाजा अतीक की मां ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। आखिरकार मां के कहने पर अतीक ने साल 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह कर लिया, लेकिन अतीक के दिल में शबनम बनी रही। बाद में शबनम का निकाह अतीक के छोटे भाई अशरफ के साले सद्दाम से हुआ। तब भी अतीक और अहमद का मिलना जुलना जारी था, हालांकि शाइस्ता ये जानती थी। माफिया अतीक ने अपनी मां के निधन के बाद एक बार फिर शबनम से निकाह करने की बात छेड़ी, लेकिन बात नहीं बनी। अतीक का पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। अतीक और शबनम के रिश्ते को कभी भी नाम नहीं मिल सका। बीच में ये खबर भी आई कि अतीक ने शबनम के बेटे आरिफ को अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार बनाया है। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगा कि कहीं आरिफ अतीक अहमद का बेटा तो नहीं। ऐसे और भी बेनाम रिश्ते बॉलीवुड से लेकर नामी गैंगस्टर और डॉन की जिंदगी से जुड़े हुए, जिसके बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।